मैं गीता वर्मा गीताकिन्नू.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से एक नया वीडियो लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और सोशल मीडिया पर। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 उबले हुए आलू बड़े साइज के, जिन्हें मैं मैश कर लूंगी। तो कभी भी आपको बच्चों के लिए लंच बनाना हो, आप पहले से ऑलरेडी आलू बॉईल करके रखेंगे तो आप बहुत सारी रेसिपीज इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, वो भी मिक्स कर देंगे। नमक ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ टी स्पून यहाँ पे मैं लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे लाल मिर्च मैं कम ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, कोई भी अचार ले सकते हैं आप, मैं यहाँ पर मिक्स अचार ले रही हूँ और इसका हमें मसाला ऐड करना है। इससे क्या होगा, बहुत ही यमी टेस्ट आता है इस टोस्ट में। तो ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं डालती हूँ अपने इस टोस्ट में, जिससे कि जो टोस्ट है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ये मसाला ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के साथ। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, पर मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं होता है कि हम हरा धनिया ऐड करें। यहाँ पे मैंने 4 ब्रेड लिए हैं, मैं 2 तरह के टोस्ट आपको बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, केचप लगा लेंगे इस तरह से ब्रेड पे। अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ तो यहाँ पर टोमेटो केचप लगाऊंगी। इसके ऊपर हम आलू का मसाला लगा लेंगे जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो इस तरह से ये मैंने आलू का मसाला लगा लिया। अब जो दूसरी ब्रेड है उस पर भी हम केचप लगा लेंगे। अगर आप चाहे तो एक पे केचप, एक पे ग्रीन चटनी लगा सकते हैं या फिर मेयोनीज लगा सकते हैं। तो जैसा भी आप बनाना चाहें उस तरह से इसमें चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए बनाया इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों में केचप लगाई है, इसे हम साइड में रख देते हैं, दूसरा तैयार कर लेते हैं। दूसरे में भी मैं केचप लगा रही हूँ। आप चाहे तो रेड चिली सॉस भी लगा सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ग्रीन चटनी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने केचप लगा ली है, दूसरी ब्रेड पे भी लगा लेती हूँ। तो ये जो टोस्ट है बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब इस पे हम ये आलू का मसाला लगा लेंगे। तो आप इसे बच्चों को लंच में दे सकते हैं, अपने ऑफिस ले जा सकते हैं, बहुत जल्दी ये तैयार हो जाते हैं और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरह से ये मैंने आलू का मसाला लगा लिया। अब इसमें मैं एक ट्विस्ट देने वाली हूँ, यहाँ पर मैं लगाऊंगी चीज़ स्लाइस। कोई भी चीज़ स्लाइस ले सकते हैं या फिर अगर पिज़्ज़ा चीज़ हो आपके पास वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चीज़ स्लाइस लगाऊंगी क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इस तरह का पिज़्ज़ा चीज़ आप ले सकते हैं, इसे ग्रेट करके आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ स्लाइस पड़ा हुआ है तो मैं ये लगा देती हूँ। तो आप इस तरह से अगर चीज़ वाला टोस्ट बनाना चाहते हैं तो चीज़ वाला बना सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इस तरह से हम चीज़ स्लाइस लगा देंगे। अगर आप पिज़्ज़ा चीज़ ले रहे हैं तो ग्रेट करके पूरी एक लेयर बना दें इस पर। तो इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे और इसे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इसे हमें सेकना है, किस तरह से हमें इसे टोस्ट बनाना है। तो यहाँ पर मक्खन ले सकते हैं आप, ऑयल ले सकते हैं, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं, देसी घी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बटर ले रही हूँ, बटर मैंने अभी फ्रिज से निकाला है इसलिए जमा हुआ है। तो इसलिए हम इस तरह से काट काट के इसके थोड़े थोड़े पीसेस लगा देंगे। अब मैंने यहाँ पे इस तरह का टोस्टर लिया है जो कि आमतौर पे हम लोगों के घर में होता है, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं तवे पे भी आपको बना के दिखाऊंगी। तो इस तरह से मैंने रख दिया है, ऊपर से भी हम इस तरह से मक्खन लगा देंगे। तो अगर आपका पिघला हुआ मक्खन है तो आसानी होगी आपको लगाने में, अगर जमा हुआ है तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टोस्टर में इसे रख दिया है और आपको मैं बताती हूँ किस तरीके से बनाने। तो पहले मैं आपको तवे पे बना के दिखा रही हूँ। तो तवे पे आपको इस तरह से मक्खन लगाना है पहले, और इसके ऊपर हम ब्रेड रख देंगे। तो यहाँ पे बिना चीज़ वाली मैंने ये ब्रेड रख दी है और इसे हम एक साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे, और इसे मैं मीडियम फ्लेम पे सेकूंगी ताकि ये जल ना जाए, और ऊपर से भी इस तरह से मक्खन लगा देंगे। और दूसरी साइड पे हम ये टोस्टर रख देंगे और
इसे हम मीडियम फ्लेम पे दोनों साइड से पका लेंगे। इस तरह से पलटते रहना है आपको ताकि ये जले ना। और इधर हम ये ब्रेड चेक कर लेते हो तो एक साइड से ये ब्रेड देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे और दोनों साइड से हमें पलट पलट कर इसे सेकना है अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो इसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बनाने में, बहुत जल्दी ये रेडी हो जाती है। ये वाली चेक कर लेते हैं, तो एक टोस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, दूसरा कर लेते हैं। इसे हम इस तरह से पलट पलट कर सेकते रहेंगे जब तक कि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो ये भी हमारा टोस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे पहले प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पिज़्ज़ा कटर से हम इसके पीसेस कर लेंगे, तो इस तरह से हम इसे टोस्ट की शेप दे देंगे, ट्रायंगुलर शेप में इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो चाकू से कट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल वाला टोस्ट तैयार हो गया और ये वाला हमारा चीज़ टोस्ट तैयार हो गया। देखा ना कितनी जल्दी बन गया, बहुत जल्दी ये तैयार होता है। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ऑफिस ले जा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं, नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं जब भी उन्हें भूख लगे। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।